दिल्ली NCR में देर रात काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग सहम गए। भूकंप के झटके लगातार 30 से 40 सेकंड तक महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिमुलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल था। भूकंप का समय रात करीब 11:32 रहा। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही हुई है। तबाही का आलम यह रहा कि वहां पर 129 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भूकंप के झटके यूपी के साथ बिहार में भी महसूस किए गए। भूकंप का झटका इतना जबरदस्त था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नीचे की तरफ भागने लगे। NCR में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल आए। लोगों का कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी बिल्डिंग कांप रही हो। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामी डंडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। इस भूकंप का असर यूपी के लखनऊ में भी देखा गया, जहां लोग झटके महसूस होने के बाद घरों से बाहर निकल आए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आए भूकंप को लेकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।